हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जोक्टा 99 व्लॉग्स। तो मनाली ट्रिप का व्लॉग 2 है ये। फर्स्ट डे आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो। व्लॉग 2 में आपको ले जाएंगे आज रोहतांग टनल, वशिष्ठ और भी बहुत सारी जगह, अडिम्बमा टेम्पल और भी हमने गूगल पर सर्च किया, जो जगह अच्छी लगेगी वहाँ आपको ले जाएंगे। तो सारे लोग तैयार हो गए हैं, मैं होटल के बाहर आया हूँ। होटल देख लो और कुछ चीज़ें देख लो। तो वही कल हम मनाली पहुँचे थे 9:10 पर और काका और भैया पहुँचे बिल्कुल 1:30 और होटल लिया है। ये सामने वाला जो रूम है वो भैया का है और यहाँ वाला जो रूम है वो हमारा है। अंशुल जोक्टा तैयार होने वाला है। हेलो दीदी, दीदी गुड मॉर्निंग। और काका ज़बरदस्ती लड़कियों के कमरे में घुस के बीच बेड में सो गया है और सभी तैयार हो रहे हैं। चलो मिलते हैं आगे। हाँ भाई निखिल किधर है? भाई निखिल कितने बजे पहुंचा? भाई लेट लतीफ बंदे, काफी लेट, 2:00। मैंने ब्लॉग में 1:30 बोला, तू आधा घंटा और बढ़ा ले। तो दोस्तों ये था हमारा होटल, वहाँ सामने हमारे वाला रूम है, यहाँ पर भैया और काका रहे हैं। ये देख लो भाई लेट आने वाले बंदे, सारी चीज़ें वैसे डाली है इन्होंने, टेंट वगैरह अगर रास्ते में रुकना था। ये साइड वाला टायर बड़ा दुखी किया इसने काके को, अभी ठीक चल रहा है। इसने नहीं किया दुखी, तो अपनी गाड़ी यहाँ लगी है। और बस सामने ये चोटियाँ देख लो, हडिम्बमा टेम्पल से हमारा होटल सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, सिर्फ ओनली 2 किलोमीटर। तो टाइमिंग इतनी सही है भाई, 7:33 हुए हैं और हम होटल सॉरी मंदिर के अंदर जा रहे हैं माता के दर्शन करने, और पूजा हो रही है काफ़ी। हमारे को यहाँ पर घंटी और ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है और बीचों बीच है देयार का जंगल है पूरा, आप देख सकते हैं। और सारे लोग आगे चले गए, गाड़ी पार्क करके मैं थोड़ा लेट हो गया था। चलो फटाफट से चलते हैं मंदिर, पूजा हो रही है भाई। दोस्तों बिल्कुल सही टाइमिंग पे हम आए हैं। जय माता दी। दोस्तों पहली आरती के बाद माता के दर्शन हमें हो गए हैं और यहाँ पर जो चीज़ें देखने लायक हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। जो आप सीढ़ियाँ चढ़कर मुख्य द्वार में जाएंगे माता के टेंपल में, और सुबह की आरती के बाद हमें दर्शन हुए हैं और यहाँ पर ब्यूटीफुल सा फॉरेस्ट तो आपने देखा ही है। माता के दर्शन के बाद हम निकल रहे हैं आगे घटोत्कच टेम्पल, और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों माँ हडिम्बा टेंपल से हम पहुँच चुके हैं वशिष्ठ, और वशिष्ठ की जो खास बात है यहाँ पर तो ये है कि यहाँ पर आपको गर्म पानी के चश्मे मिलेंगे और नहाने के लिए भी जगह मिलेगी। लेडीज अलग है, जेंट्स अलग हैं, और मंदिर काफ़ी खूबसूरत है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बाकी आपको मैं शॉर्ट्स दिए देता हूँ। वशिष्ठ काफ़ी अच्छी जगह है। मनाली में हमने 2-3 जगह सेलेक्ट की थी, हडिम्बमा टेम्पल हम घूम गए हैं, वशिष्ठ पहुंच चुके, जोगिनी वाटरफॉल शायद नहीं जाएंगे, और मॉनेस्ट्री बंद है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई जगह यहाँ पर है,
तो आगे निकलेंगे अब अटल टनल की ओर। चलो अब मिलेंगे अटल टनल पर ही, यहाँ के दो चार शॉट्स देख लो। चलो भाई ले जाते हैं आपको अंदर। स्विमिंग नहीं होगी अभी, स्विमिंग नहीं होगी, स्विमिंग होगी बाद में। पानी आ रहा है बिल्कुल गर्म, बस पांव धो लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। आ जाएगा का? मैं और काका आए हैं अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे भाई। पानी बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है। नहाने का मन तो है पर फिर भी अभी लेट हो जाएंगे। तो भाई पहुंच गए हैं हम सोलंग वैली। ज्यादा रिसर्च हमने यहाँ इस जगह के बारे में की नहीं है, तो सारे कैसा फील कर रहे हैं, शायद अच्छा ही फील कर रहे होंगे, ठीक फील कर रहे होंगे। ये हमारी माउंटेन फेरी। तो दोस्तों ये देख लो सोलंग वैली, और सोलंग वैली मतलब बीच में है। सुना है कि पैराग्लाइडिंग करते हैं यहाँ पर और इस मैदान में उतरते हैं नीचे। काफी अच्छी जगह है, बहुत ज्यादा अच्छी जगह है, बहुत ज्यादा। तो बीच में मैं कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट पॉइंट पे दिखा रहा हूँ। और सामने आपको जो सबसे मेन अट्रैक्शन का पार्ट है वो है रोप वे। ये रोप वे का ऑफिस है, सामने रोप वे लगे हैं। यहाँ से रोप वे आप ऊपर तक देख सकते हैं, कहाँ ऊपर तक जा रहे हैं रोप वे। और अब बाकी हम जाने वाले तो है नहीं तो आपको बता देते कि टिकट्स वगैरह का क्या अमाउंट रहता है। ये देख लो भाई, तो काका और भैया हमारे से काफ़ी लेट हैं, फिर भी वो हमारे से पहले सोलंग वैली आ चुके थे। अब पता नहीं कहाँ मिलेंगे, यहाँ तो है नहीं। मिलते हैं अब अटल टनल। सुबह से तीन जगह घूम गए हैं, चौथी जगह अटल टनल है, पांचवी जगह पता नहीं कहाँ होगी। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।